good morning students today we are going to start question answers based upon chapter number 10 which is a poem vocation i hope you have read and understood this poem properly let's start its question answers so question number one is whom does a child see in the morning what is a poet doing at that time तो जो चाइल्ड पॉइंट था वो मॉर्निंग में क्या देखता है और जो पॉइंट था वो उस टाइम क्या कर रहा था द चाइल्ड सीज द हॉकर ईच मॉर्निंग मॉर्निंग तो हर morning में चाइल्ड किसको देखता था हॉकर को जो फेरी लगाता है गलियों में घूम घूम कर अपना सामान सेल करता है द चाइल्ड पॉइंट इज वॉकिंग टू स्कूल तो चाइल्ड पॉइंट उस टाइम क्या कर रहा था ही इज वॉकिंग टू स्कूल तो स्कूल के लिए जा रहा था राइट द स्कूल तो जब वो स्कूल से वापिस आ रहा था तो किसको देखता है वहां तो वो पर्सन तो जिस पर्सन को चाइल्ड पॉइंट देखता है वो पर्सन क्या कर रहा होता है द नरेटर स्पॉट्स नरेटर होता है स्टोरी सुनाता है नरेट करता है द नरेटर स्पॉट्स अ गार्डनर ऑन हीज रिटर्न फ्रॉम द स्कूल तो नरेटर वहाँ किसको देखता है गार्डनर को तो गार्डनर क्या कर रहा होता है वो अपनी स्पेड से स्पेड क्या होता है एक एग्रीकल्चर में यूज करने वाला टूल होता है या जिससे हम गार्डनिंग जिसको गार्डनिंग में यूज करते हैं तो मैंने आपको लास्ट टाइम इसकी पिक्चर भी ड्रॉ करके दिखाई थी स्पेड क्या होता है तो जो गार्डनर होता है वो अनरिस्ट्रिक्टेड बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के बिना किसी के रोक टोक के काम कर रहा होता है स्पेड अपनी स्पेड के साथ ही स्पॉय हिज क्लोथ्स विद डस्ट तो वो अपने क्लोथ उसके कपड़ों पे डस्ट लगी होती है या सॉयल भी यूज कर सकते हो वर्ड He spoils his clothes with dust, तो ऐसी तो कंडीशन में ना तो कोई उसको चेक करता है कि उसके कपड़े क्लीन है या नहीं और ना ही उसको कोई डांटता है क्योंकि जो चाइल्ड पॉइट है उसको फील होता है कि ये लोग हैं जो हॉकर हैं गार्डनर है वॉचमैन है तो ये अपनी मर्जी से जो कुछ मर्जी कर सकते हैं लेकिन जो चाइल्ड पॉइंट है उसको बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं तो ऐसे ही वो जब गार्डनर को देखता है तो उसको फील होता है कि ये तो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के वर्क कर रहा है इसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है इसके कपड़ों पे भी डस्ट लगी हुई है तब भी इसको ना तो कोई चेक कर रहा है ना ही इसको कोई डांट रहा है स्कॉल्ड होता है डांटना नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कैन द पॉइट सी थ्रू हिज ओपन विंडो एट नाइट तो पोइट अपनी ओपन विंडो से रात को क्या देखता है एट नाइट द चाइल्ड पॉइट वॉच द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन द लेन तो रात को क्या होता है जो चाइल्ड पॉइट होता है वो किसको देखता है वॉचमैन को वॉचमैन क्या कर रहा होता है वॉचमैन उस लेन में उस स्ट्रीट में अप डाउन वॉक कर रहा होता है मीन्स कभी आगे जा रहा होता है कभी पीछे जा रहा होता है राइट right? तो वॉचमैन जैसे रात को ड्यूटी देता है वॉक करके वैसे ही नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हाउ इज द लेन डिस्क्राइब इट नाइट तो जो लेन थी स्ट्रीट थी कैसे डिस्क्राइब की है पॉइंट ने तो वो, वो वो उस लेन में बहुत अंधेरा था कोई भी पर्सन नहीं था और सिर्फ कौन था वॉचमैन जो अप डाउन जा रहा था और वहां पे उसके पास एक लैंप था राइट जो उसके जो स्लेन की को, स्लेन की अंधेरे को दूर कर रहा था एंड और और साथ में एक क्या था स्ट्रीट लैंप भी था एक तो उसके पास लालटेन थी तो एक स्ट्रीट लैंप था जहां जो स्ट्रीट लाइट होती है तो वो ऊंची लंबोल पर लगी हुई लाइट थी वैसे लग रही थी जैसे कोई जायंट खड़ा है और उसके हेड पे एक रेड आई बनी हुई है मींस इतना हॉरिबल सा सिचुएशन था उस लेन में सो लेट्स रीड इट्स क्वेश्चन द लेन इज़ डार्क एंड लोनली विद नो पेडस्ट्रियंस पेडस्ट्रियंस कौन होते उत्तर पैदल चलने वाले के उस वो लेन जो थी बहुत उसमें अंधेरा था और कोई भी नहीं था एक सिंगल पर्सन भी नहीं था ओनली द वॉचमैन वॉक्स अप एंड डाउन द लेन केवल वॉचमैन ही था जो लेन में अप डाउन कर रहा था इट हैज अ स्ट्रीट लैंप व्हिच इज इन इन द डार्कनेस अपीयर्स लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड तो एक कौन था एक स्ट्रीट लैंप था डार्कनेस में जो ऐसा लग रहा था एक जाइंट खड़ा जाइंट का होता बहुत बड़ा राक्षस टाइप दैत्य बहुत बड़ा कोई हो और उसकी ऐसा लग रहा था उसकी हेड पे रेड लाइट लगी होती है तो वो सीन क्या था हॉरिबल था क्लियर आई एम रिपीटिंग दीज क्वेश्चन सो लिसन केयरफुली वंस अगेन फर्स्ट क्वेश्चन होम डज द चाइल्ड सी इन द मॉर्निंग वट इज द पॉइंट डूइंग एट द टाइम आंसर द चाइल्ड सीज द हॉकर ईच मॉर्निंग the child poet is walking to his school. second question. on his return from the school, whom does the narrator spot, and what is that person see doing? its answer. the narrator spots a gardener on his return from the school. he works unrestricted with his spade. he spoils his clothes with the dust, yet is not checked nor scalded. third question what can be the poet see through his open window at night its answer at night the child poet watches the watchman walking up and down the lane third how is the lane described at night its answer the lane is dark and lonely with no pedestrians only the watchman walks up and down the lane it has a street lamp which is in the which is in the darkness Appears like a giant with one red eye in its head. Right? So these are these are four questions. Clear? Now students, open your English textbook on page number 93. Right? We already have done first question and second question. Right? Now move to question number third. Tick the third question and write down date. इस क्वेश्चन को टिक करके आप डेट मेंशन करिए सो थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स तो इन पॉइंट्स को हमने अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है फर्स्ट इज देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक। तो ये क्या लाइन है कि कोई ऐसी रोड नहीं है जहाँ पे वो जाए मीन्स इट्स ऑल अबाउट अ हॉकर तो हॉकर के बारे में बताया गया है द हॉकर इज हिज ओन मास्टर तो हॉकर अपने ही अपना मास्टर खुद है मींस उसको किसी के रूल्स रेगुलेशन की किसी के ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती ही वॉक्स द प्लेस वो उस जगह पे जाता है अकॉर्डिंग टू हिज ऑन विश एंड डिज़ायर तो वो अपनी इच्छा से जिस मर्जी प्लेस पे जा सकता है बी पार्ट नो बडी टेक्स इम टू टास्क तो कोई उसको टास्क नहीं देता ये कौन है इट्स अबाउट गार्डनर द गार्डनर डज इज़ वर्क विथ कंप्लीट फ्रीडम तो गार्डनर अपनी मर्जी से कोई भी काम गार्डनिंग वाला करता है ही इज़ नॉट स्कॉल्ड और फोल्ड अप फॉर डटिंग एंड सॉइलिंग इज क्लोथ्स तो कोई इसको ना तो डांटता है ना ही कुछ बोलता है कि उसने अपने क्लोथ्स क्यों डस्ट से सोयल से भरे हुए हैं और क्यों उसने गंदे कर लिए अपने कपड़े इसको कोई भी कुछ नहीं कहता सी ही वॉक्स विद हिज शेडो एट हिज साइड तो वो उसकी साइड में कौन चलता उसके साथ शेडो इट्स अबाउट वॉचमैन ओनली दॉचमैन कैन बी सीन कैरिंग टू एल्यूमिनेट हिज वे केवल वॉचमैन ही देखा जा सकता है जो लालटेन लेके अपने रास्ते को रोशनाता है एल्यूमिनेटर होता रोशनी करनी हिज ऑन शेडो इज हिज कंपेनियन फॉर द नाइट तो उसका जो ऑन उसका अपना शेडो है वो ही उसका साथ ही होता है उस रात के लिए राइट नेक्स्ट डी क्वेश्चन इज चेजिंग द शेडोज विद माई लालटेन चेजिंग द शेडोज विद माई लालटेन तो वो अपनी लालटेन के साथ ही चलता है और अपने शेडो को चेज करना पीछा करना अपने शेडो को फॉलो करते करते द तो वॉचमैन लालटेन इल्यूमिनेट्स हिज पाथ जो वॉचमैन की लालटेन है वो पाथ को लाइट देती है इल्यूमिनेट करती है इट डिस्पेल द डार्कनेस वेयर एवर ही गोज तो जो लालटेन है जब वो लालटेन लेके वो डार्कनेस डार्क स्ट्रीट्स में से निकलता है तो लालटेन उनके डार्कनेस को दूर करती है जहाँ जहाँ भी जहाँ जहाँ भी वो जाता है क्लियर सो स्टूडेंट्स दीज आर सम लाइंस तो ये जो लाइंस हैं ये पॉइंट ने ये एक्सप्लेनेशन है पॉइंट की लाइंस थी ये फोर जिनको हमने एक्सप्लेन किया है राइट right? सो so इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से क्लियर करिए so understand explanation of these four points right so students read this poem again read and understand this poem again understand its difficult words and word meanings also then learn question answer of this chapter and then note it down in your notebook number